लास्ट ईयर जब 2020 अगस्त में इस स्कीम को गवर्नमेंट ने जिसमें 15,000 अनएम्प्लॉयड टेक्नोक्रेट्स एंगेज थे, अपना रोजगार कमा रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने इस स्कीम को स्क्रैप किया विदाउट द नॉलेज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ जो इसके स्टेक होल्डर्स है। जो हमारे एडवाइजर है फारूक खान साहब, जो इसके एम्प्लॉयमेंट के सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ के भी एडवाइजर है, उनकी नॉलेज में भी नहीं था, किसी के नॉलेज में ही था, क्यों इस आत्मनिर्भर स्कीम को यहाँ के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने स्क्रैप कर दिया। ये अपना नाम बताइए और आज के प्रोटेस्ट के हवाले से बताइए। मैं इंजीनियर सैयद परवेज हुसैन हूँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर के स्टेट प्रेसिडेंट, आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। और आज एक साल के बाद यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें फिर से मजबूर किया सड़कों पे आने के लिए, और जो आने वाले दिलों में हम हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो जम्मू है चाहे वो कश्मीर है, हर जगह अब ये चालू रहेगा जब तक हमारी स्कीम जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर स्कीम, इसको एलजी एडमिनिस्ट्रेशन वापस रेस्टोर न करे। ये लास्ट ईयर जब 2020 अगस्त में इस स्कीम को गवर्नमेंट ने जिसमें 15,000 अनएम्प्लॉयड टेक्नोक्रेट्स एंगेज थे, अपना रोजगार कमा रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने इस स्कीम को स्क्रैप किया विदाउट द नॉलेज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ जो इसके स्टेक होल्डर्स है। जबकि जो हमारे एडवाइजर है फारूक खान साहब, जो इसके एम्प्लॉयमेंट के सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ के भी एडवाइजर है, उनकी नॉलेज में भी नहीं था, किसी के नॉलेज में ही था, क्यों इस आत्मनिर्भर स्कीम को यहाँ के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने स्क्रैप कर दिया। ये हम जानना चाहते हैं यहाँ के एलजी साहब से, यहाँ के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से। अब आपकी और जब उन्होंने कमेटी बनाई, कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है 5 महीने से, क्या इतना एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास टाइम नहीं है कि वो इस कमेटी के रिपोर्ट को पढ़े, इस कमेटी के रिपोर्ट को देखे और इस स्कीम को अपने वापस उसी सूरत में रेस्टोर करे जिसमें हम चाहते हैं। यही हमारी आज आप लोगों से हम अपील करते हैं, आपके माध्यम से, एलजी साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, फाइनेंशियल कमीशनर अटल टुल्लू साहब से, ये हम अपील कर रहे हैं कि वो इस स्कीम को जल्द से जल्द यहाँ के टेक्नोक्रेट्स के लिए रेस्टोर करें ताकि हम अपने कामों में जुट जाएं। थैंक यू।